इन वादियों में। ये देखो चारों तरफ, ये देखो बहुत मज़ा आया यार, इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और इतनी गहरी नींद आई, मज़ा आ गया यार। नहीं तो होटलों में सो सो के तो बीच बीच में नींद खुल जाती थी, मज़ा आता। गुड मॉर्निंग फ्रॉम त्याक्षी। कल रात को हम 7 बजे एंटर कर गए थे त्याक्षी में और ऊपर आते आते हमें 8 बजे थे। हमने पूरा सामान अनलोड किया और भाई ने नीचे ही कोई गाड़ी में रखवा दिया, क्योंकि ऊपर पैदल आने में थोड़ी ऊंचाई पे और है तो वहाँ पे बाइक नहीं आ सकती है। तो मैं दिखा दूँ, ये रात को ये पिक्चर भी बिस्तर लगा हुआ है, यहाँ पे मैं सोया था और ये मस्त नींद आई ना, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और बहुत मज़ा आया यार सोने में। आज पहली बार ढंग की नींद आई है। रात को 12 बजे सोया था, अभी 7:30 बजे मतलब 7 बजे उठ गया था मैं। और ये त्याक्षी का पूरा व्यू देख लो, पीछे पहाड़ है और ये घर इनका, ये चारों तरफ ग्रीनरी है, पीछे घर है, बहुत ही शानदार। बढ़िया डिसीजन था हमारा कि टैक्सी में रुकने का, बहुत ही बढ़िया। और रात को खाना भी इन्होंने बहुत ही शानदार दिया है, मज़ा आ गया खाना खा के। अभी फ्रेश फील हो रहा है, कल तो बहुत थक गए थे। तो आज का प्लान ये है कि टैक्सी में थोड़ा घूमेंगे और उसके बाद थोड़ा तुतुक में घूमेंगे, फिर हम रुकेंगे अंदर में, रात को स्टे करेंगे अंदर में। तो भाई एक चीज़ और बता दूँ, ये पीछे आप चोटियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी पोस्ट है और K2 रेंज जो माउंटेन रेंज है वो भी ये सामने है। तो यहाँ पे एक तो पाकिस्तानी पोस्ट नज़र आती है, ऊपर ही है, बिल्कुल सामने ही है, और K2 रेंज भी यहाँ से साफ दिखाई देती है, बहुत बढ़िया यार। और टोटल यहाँ पे 60 घर हैं जो त्याक्षी में, 60 houses हैं, और पाकिस्तान साइड भी 60 है और यहाँ भी 60 है, दोनों तरफ 60-60 है। और यहाँ पाकिस्तानी का बना हुआ एक स्कूल है जो मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ है देखने को, यहाँ के लोगों से भी मिलेंगे। K2 के होम स्टे में ये पीछे है हमारा कमरा और इसका व्यू दिखा देता हूँ, जो बालकनी से व्यू आता है, ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू है हमारे बिल्कुल सामने, ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है, शानदार। और ये हमारा कमरा है, बिल्कुल न्यूली बिल्ट बिल्डिंग है ये। सबसे बढ़िया इसमें इंग्लिश टॉयलेट मिल जाएगा आपको, और ये बिल्कुल नया बना हुआ है, ये देखिए। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, तो मैं दिखा देता हूँ तो भाई ने क्या क्या लोकल बनाया हुआ है। ये क्या है? यहाँ का लोकल डोसा। ये लोकल डोसा है यहाँ का, और ये रायता। हाँ। ये रायता है, ग्रेवी, और फिर चाय है साथ में। तो अभी खाते हैं फिर बताते हैं आपको कैसे था। तो गाइस अभी हम निकले हैं त्याक्षी गांव को एक्सप्लोर करने, और ये हमारा पीछे था होम स्टे, K2 होम स्टे। सेब सेब सेब, ये है सेब, सेब के पेड़, खुमानी के पेड़ और अखरोट के, बहुत कुछ है यहाँ पे। और ये खेत देखो, ये गेहूँ के खेत, ये हमारे भाई लोग चल रहे हैं साथ में। और यहाँ पे 50-60 गांव हैं, ये घर बने हुए हैं। तो हम चल रहे हैं आगे, आपको दिखाते हैं आज त्याक्षी का जो भी यहाँ का फेमस चीज़ें हैं, और ये नेचुरल ग्लेशियर का पानी। पीछे ये पाकिस्तानी है, ये पीछे पाकिस्तानी है ना, पीछे वाली सारी। हाँ। ये इंडियन है ये अपने, ये इंडियन है। और वो टॉप पर जो है पाकिस्तान बैठा है। अच्छा दोनों में बैठे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ नीचे अपना फौज है, नीचे अपना है, ऊपर जो है वो पाकिस्तान का फौज है। अच्छा, ये ऊपर सबसे ऊपर पाकिस्तान बैठा है, उससे थोड़ा नीचे अपना बैठा है, अपना बैठा है।
और वहाँ भी पाकिस्तानी बैठे हैं उधर, और ऊपर भी पाकिस्तानी बैठे हैं। और ये पहाड़ अपने हैं, ये सारा अपना, ये अपना है सारा। तो ये कब्रिस्तान है 700 साल पुराना, 700 साल। अच्छा, शुरू में तो बुद्धिज्म था ना, तो मुस्लिम कन्वर्ट होने के बाद जो है यहाँ पर लोगों को दफनाने लाता था। अच्छा अच्छा, लोग मर जाता था ना, हाँ यहाँ पर ही लाता ये मेडिकल सेंटर है सामने, है ना, मेडिकल सेंटर है। आदमी और आदमी में पेट करती है, आदमी नहीं है यहाँ पर, अपना सिविल गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा अच्छा, नाइट कैंपिंग बोल रखा है हमारे बच्चों ने, हाँ नाइट कैंपिंग के लिए, कैंपिंग के लिए। हाँ जी, तो गाइस ये कैंपिंग साइट है, अगर आप आए तो यहाँ पे कैंप भी लगा सकते हैं। क्यों नहीं चला, यहाँ पर है ना, हाँ अभी तो यहाँ पर कैंपिंग बनाया नहीं है, लेकिन बना सकते हो, अपना कैंप लगा सकते हैं, मतलब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बिस्तर वगैरह मिल जाएंगे, अपना कैंप वगैरह आप यहाँ सेटअप कर सकते हैं अपना। हाँ जी, ये देखो अभी वहाँ पर फसल कटाई हो रहा है, और ये भी हमारे गाँव का ही है। अच्छा, हाँ जी, अच्छी गाँव है ये, वो पक गया ना बिल्कुल फसल, हाँ हाँ अभी वो काट रहे देखो लोग, हाँ लोग काट रहे हैं यहाँ पे, यही गाँव है। और यहाँ से जाके वहाँ पर एक ब्रिज नजर आ रहा है ना आपको, मोटर लेवल ब्रिज है वो, वहाँ से थंग गाँव के लिए जाता है। थंग गाँव जो है ना ऐसी गैप में है अंदर को, अंदर को, हाँ जी, इस ब्रिज से मैं गया था ना। अच्छा, इधर वो गया था ना, इधर थांग विलेज का ही है ना ये, ये थांग विलेज का ही, हाँ ये थांग विलेज को निकल जाता आगे। जी जी, और ये फुट सस्पेंशन ब्रिज है, हाँ फुट सस्पेंशन, इधर से इसी गांव के लिए जाता है। अच्छा अच्छा, काम करने के लिए, हाँ हाँ हाँ। और ये देखो ये गाँव, इसको हम टैक्सी पचदंग करते हैं, हाँ ये भी हमारा ही है, काफी बड़ा गाँव है, काफी बड़ा है, हाँ दिखता छोटा है, छोटे छोटे छोटे, पहले तो आप शुरू में है ना, अब वहाँ नीचे नीचे से गया ना, नीचे नीचे से गया, पता नहीं चलता। गाइस हम एक स्कूल में आए हैं जो कि पाकिस्तान द्वारा बनाया गया था, ये देखिए मेरे पीछे ये है स्कूल, क्लास 3-2, ये पूरा स्कूल है जो कि 71 से पहले ये पाकिस्तान द्वारा बनाया गया था, यहाँ बच्चे पढ़ते थे। अब ये ऑपरेट होता है, ये अब ऑपरेट नहीं है, ये जो है ना, ये जो पाकिस्तान ने नहीं बनाया था। अच्छा, ये नहीं है, ये जो है ना पहले यहाँ पर प्राइमरी स्कूल था, हाँ यहाँ पर मेडल स्कूल सेंशन हो गया ना, हाँ हाँ, तो उसके बाद यहाँ मेडल चलाता था। अच्छा, ये जो है 1971 से पहले का बना हुआ है, 1968-69 में, जी ओके, पाकिस्तान ने, अच्छा बना के बिल्कुल तैयार ही हुआ था। नेक्स्ट साल दिसंबर 16 दिसंबर के बाद जो है ना मार्च में जब स्कूल शुरू हो जाता है ना, हाँ सेशन शुरू हो जाता है ना, तो वहाँ से वो टीचर वाला देने वाला था। अच्छा, इतने में झगड़ा हो गया, स्कूल बनाया पाकिस्तान ने, टीचर लगा दिया अपने गवर्नमेंट में। ये कस्सा है, आप पढ़े हुए स्कूल में? नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं पढ़ा, मैं तुर्तुक जाता था, उस वक्त यहाँ पर सेंशन ही हुआ था, तो हम यहाँ से तुर्तुक पढ़ने जाते थे। आप 10 साल के थे उस टाइम जब 71 में? जी, हम यहाँ से पैदल तुर्तुक जाना, फिर पैदल तुर्तुक से यहाँ आना, ऐसा होता था। तो मैं अंकल से मिलवाना चाहता हूँ, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद खान है। मोहम्मद खान है, और इन्हीं के हम जो होम स्टे में रुके हुए हैं, K2 होम स्टे में, और ये हमें घुमाने लाए हैं पूरा अक्षी गांव को। ये पाकिस्तान द्वारा बनाया गया है, ये इंडियन द्वारा, ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था, एक्सटेंड किया गया थे, पहला स्कूल सिर्फ ये था पाकिस्तान द्वारा, हाँ प्राइमरी वाला, फिर अब ग्रेड हो गया ना मेडल, हाँ के बाद जो इसको, हाँ अभी अब इंडिया के कब्जे में आया, तो ये इंडिया के द्वारा बनाए गए हैं सारे, हाँ सिर्फ पाकिस्तान द्वारा ये बनाया गया, बस ये वाला पार्ट। लेकिन इसका फर्ज बहुत, इसका फर्ज कितना अच्छा है, अंदर चलते हैं एक बार, 50 साल होने को है, कितना अच्छा है ना, और ये वो तभी का लिखा हुआ है, हाँ नहीं नहीं ये तो बाद में अपना 9/3/1973 ये भी लकड़ी का तबका है, ये वेरी गुड, 50 साल तो हो गए, हाँ 50 साल हो गए, तो अभी आप देख रहे हैं 50 साल पुराना स्कूल जो कि पाकिस्तान द्वारा बनाया गया था। अब मैं दिखा देता हूँ आपको पोस्ट, सबसे ऊपर पाकिस्तान की पोस्ट है,
सबसे ऊपर, और उससे नीचे इंडियन पोस्ट है, और यहाँ से ये रास्ता देख रहे होंगे ऊपर जा रहा है, यहाँ से राशन जाता है, डेली राशन जाता है ऊपर हमारी पोस्टों पे। तो बहुत ही शानदार विलेज है यार त्याक्षी विलेज, आप ज़रूर आएँ एक बार स्टे करें। और K2 होम स्टे में बहुत ही बढ़िया है रहना सहना खाना पीना, मज़ा आ गया यार। कल से हम रात के स्टे किया हुआ है और बहुत ही आनंद आ गया, खाने पीना ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था, और जो रात को डिनर किया वो तो सुभान अल्लाह मज़ा आ गया। तो चलते हैं अभी आगे। आदाब, बादाम लेकर जाओ। क्या क्या है इसमें? इसमें सब खुमानी है सब। ये शहतूत? शहतूत। ये ड्राई खुमानी? हाँ। ये क्या है? ये चिप्स है। चिप्स है, चिप्स है सब। ये भी खुमानी है? हाँ, ये खुमानी है सब। ये भी खुमानी है सब। ये सब ये तेल है, खुमानी का तेल। खुमानी का तेल? हाँ। खुमानी का तेल है सब, ये ले जाओ, फायदा है इसमें। बाल को लगाओ और बदन को मालिश करो, ये बहुत अच्छा होता है। पुराने सब बीमारी के लिए भी अच्छा होता है, अगर कुछ खाने में लगा कर खाएंगे तो। अच्छा। हाँ। कितने का तेल? तेल 310। 310। हाँ। और ये शहतूत? शहतूत ले लो, टेस्ट करो साहब, खाओ। कितने का? ये ड्राई है ये तो। हाँ, ये सूखा हुआ है। अली चीज ये सिखा दो। अभी प्लान यह है कि हम टाइम मिला तो तुरतुक भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, फिर हम जाएंगे हुंदर में, वहाँ शायद स्टे करेंगे हम, नहीं तो कोशिश करेंगे थोड़ा और आगे कहीं निकल जाए, आगे मैक्सिमम जहाँ तक जा सकेंगे। तो ये प्लान है अभी तक हमारा।